हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी यूनिट नंबर 5, पोयम मेरी गो राउंड पार्ट 1। तो सबसे पहले हम पोयम रिसाइट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई क्लाइंड अप ऑन द मेरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। आई क्लाइंड अप on a big brown horse and it went up and down, around and round and up and down, around and round and up and down. I sat high up on a big brown horse and rode around on the merry-go-round and rode around on the merry-go-round, around and round and round. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पोयम रिसाइट कर ली है, अभी हम पोयम का मीनिंग समझेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आई क्लाइंड अप ऑन द मेरी गो राउंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बॉय है जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दिया है, उसमें दिखाई दे रहा होगा, तो आप सभी लोगों को वो पिक्चर देखना है। तो स्टूडेंट, वो बॉय क्या कह रहा है कि मैं किसके ऊपर बैठ गया, मेरी गो राउंड के ऊपर बैठ गया था। क्लाइंड अप मतलब ऊपर चढ़ जाना। तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने मेरी गो राउंड देखा है। यस, आप जब भी मेले में जाते हो, मेला मतलब फेयर, तो आप जब भी मेले में जाते हो तो वहां पर आप लोगों ने मेरी गो राउंड देखा होगा, और फिर आप सभी लोगों ने मेरी गो राउंड की सवारी की होगी। आप मेरी गो राउंड के ऊपर बैठे हो कि नहीं बैठे हो? यस, वेरी गुड, आप सभी लोग मेरी गो राउंड के ऊपर तो बैठे ही होंगे। तो चलो, तो बॉय क्या कह रहा है, आई क्लाइंड अप ऑन द मेरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड। और मेरी गो राउंड कैसे जा रहा था, राउंड एंड राउंड, पूरा चारों तरफ कैसे घूम रहा था, गोल गोल सर्कुलर मोमेंट में घूम रहा था, राउंड एंड राउंड, सर्कल में घूमता है ना ऐसे सर्कुलर मोमेंट में। आई क्लाइंड अप ऑन ए बिग ब्राउन हॉर्स, और जो बॉय है वो किसके ऊपर बैठ गया था, बिग ब्राउन हॉर्स, बड़े से ब्राउन वाले हॉर्स के ऊपर, ब्राउन कलर का जो बड़ा सा हॉर्स है उसके ऊपर वो बॉय बैठ गया था। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बैठे हो कि नहीं बैठे हो, झूले में मेरी गो राउंड में बैठे हो ना? हाँ। एंड इट वेंट अप एंड डाउन, और जो बिग ब्राउन हॉर्स है वो कैसे जा रहा था, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अराउंड एंड राउंड एंड अप एंड डाउन। और मेरी गो राउंड में जो बिग ब्राउन हॉर्स है वो कैसे जाता है, अराउंड एंड राउंड, मतलब चारों तरफ वो गोल गोल घूमता है, फिर वो ऊपर और नीचे होता है, अराउंड एंड अराउंड एंड अप एंड डाउन। आई सेट हाई अप ऑन ए बिग ब्राउन हॉर्स। तो बॉय क्या कह रहा है कि मैं जो बड़ा सा बिग ब्राउन हॉर्स है उसके ऊपर बैठ गया, एंड रोड अराउंड ऑन द मेरी गो राउंड, और उसने किसकी सवारी की थी, मेरी गो राउंड की सवारी की थी। कहाँ पर, तो जो मेरी गो राउंड है वो कैसे घूमता है, देखो यहाँ पर लिखा है एंड रोड अराउंड, वो कैसे सवारी करता है, चारों तरफ पूरे सर्कुलर मोमेंट में वो चारों तरफ सवारी करता है, एंड रोड अराउंड ऑन द मेरी गो राउंड। वो वापस वही कह रहा है कि मैं मेरी गो राउंड में ऐसे चारों तरफ गोल गोल घूम रहा हूँ, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, चारों तरफ बस वो गोल गोल ही घूम रहा है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये पोयम समझ में आ गई होगी। ये वाली पोयम स्टूडेंट्स आप लोगों को रोज वन टाइम रीड करनी है और उसे समझनी है। ओके स्टूडेंट, चलो अभी हम ये वाली पोयम के जो न्यू वर्ड्स है वो अभी हम देखेंगे। सो देखो, सबसे पहले कौन सा वर्ड दिया है, A-R-O-U-N-D, अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, क्या होता है, चारों तरफ। D-O-W-N, डाउन, डाउन मतलब
मतलब ऊपर। C L I M B E D क्लाइंब, क्लाइंब मतलब चढ़ जाना। क्लाइंब का क्या मतलब होता है? क्लाइंब मतलब चढ़ जाना। H O R S E हॉर्स। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता है हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। हॉर्स क्या है? हॉर्स इज ए एनिमल। ओके चलो स्टूडेंट्स, ये सारे न्यू वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गए। अब ये सारे न्यू वर्ड्स आप लोगों को कितनी बार लिखने हैं स्टूडेंट्स? 5 टाइम्स लिखने हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक? 5 टाइम्स लिखने हैं। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि मैरी गो राउंड कैसे जा रहा था? आंसर इज अराउंड एंड राउंड, मतलब कि चारों तरफ वो गोल गोल घूम रहा था। आंसर इज A R O U N D around, A N D and R O U N D round, around and round. Then next question is how did the big brown horse go? जो big brown horse है वो कैसे जा रहा था? तो students अभी हम लोगों ने poem में देखा कि big brown horse है वो कैसे जा रहा है। देखो यहाँ पर around and round and up and down. So we have to write here A R O U N D around and R O U N D round, U P up and T O W N down. Around and round, up and down. Around and round मतलब आप लोगों को पता है कि चारों तरफ गोल गोल घूमना, और up and down मतलब ऊपर नीचे। तो big brown horse चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वाले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लिखने हैं 2 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा मैरी गो राउंड फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कबुक का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।